आदमी पार्टी के सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडाज में से रहा है पिछले 3.5 साल में जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। हाई क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन हमारे सबसे महत्वपूर्ण एजेंडाज में से एक रहा है और उसके टुवर्ड 3.5 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इम्प्रूवमेंट लाना, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना, उनके रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट लाना हमारे काम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। लेकिन सिर्फ स्कूलों की एजुकेशन इज नॉट द ओनली पब्लिक एजुकेशन दैट एग्जिस्ट, उसी तरह से दिल्ली में हायर एजुकेशन भी हमारे रिफॉर्म एजेंडा पे एक महत्वपूर्ण चीज़ रही है। दिल्ली की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ रही हैं, चाहे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, IGPTUW हो, उसमें एक्सपेंशन आम आदमी पार्टी ने किया है क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर हमें एक इक्विटेबल और जस्ट समाज की तरफ जाना है और अगर इस देश में वास्तव में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी है तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का, हाई क्वालिटी शिक्षा का एक्सेस हो, चाहे वो एक अमीर परिवार से हो, चाहे वो एक गरीब परिवार से हो। और अगर हम इस देश की राजनीति को देखें तो जो सरकारी स्कूलों के साथ पिछले 30 साल में हुआ, जिस तरह अर्ली 90s से सरकारी स्कूलों का निग्लेक्ट शुरू हुआ, जिस तरह सरकारी स्कूलों की फंडिंग कम हुई और हमने उसका कॉन्सिक्वेंस देखा है कि पिछले 20-30 साल में सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड कितना गिर गया, उसी तरह से आज इस देश की राजनीति में, इस देश की व्यवस्था में हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं कि जिस तरह अर्ली 90s में गवर्नमेंट स्कूल्स का डिक्लाइन शुरू हुआ और एक सिस्टमैटिक डिक्लाइन शुरू हुआ, उसी तरह से आज हायर एजुकेशन में भी हम वही पॉलिसीज देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से हायर एजुकेशन की फंडिंग को कट किया जा रहा है, किस तरह से प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, किस तरह से एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। ये एग्जैक्टली वही ट्रेंड है जो अर्ली 90s में स्कूल एजुकेशन के साथ हुआ था। इसलिए हायर एजुकेशन की पॉलिसीज को लेके आम आदमी पार्टी ने एक शुरू से क्लियर स्टैंड लिया है कि हम इसका विरोध करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने जब इसका विरोध किया वहां पे भी हम खड़े हुए और आज छात्र राजनीति में भी हम यही स्टैंड ले रहे हैं कि हम जो हायर एजुकेशन की प्राइवेटाइजेशन हो रही है, उसकी कमर्शियलाइजेशन हो रही है और पब्लिक एजुकेशन की जो रिडक्शन ऑफ फंडिंग हो रही है, हम उसका विरोध करते हैं। आज जो डूसू का चुनाव आने वाला है, इन्हीं एजेंडाज को लेके CYSS का और ISA का अलायंस हुआ है और CYSS और ISA इकट्ठे चुनाव लड़ने वाले हैं। तो हमारे लिए, इस अलायंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो हायर एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन है, जो उसका पब्लिक फंडिंग का रिडक्शन है, उसका हम विरोध करते हैं। दूसरा, अगर आप आज के दिन में स्टूडेंट पॉलिटिक्स को देखिए तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जिस तरह की गुंडागर्दी चलती है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जिस प्रकार की मनी पावर, मसल पावर चलती है, हम उसका भी विरोध करते हैं। जिस तरह की दिल्ली की इलेक्टोरल राजनीति में हमने एक साफ सुथरी राजनीति की बात की है, हमने एक वैकल्पिक राजनीति की बात की है, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उसी तरह से वही विकल्प खड़ा करना चाह रहे हैं। और इसी में एक स्वाभाविक अलायंस ISA के साथ निकल कर आया है क्योंकि कई सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस पर भी ISA एक वैकल्पिक राजनीति के लिए, एक साफ सुथरी राजनीति के लिए संघर्ष करती आई है। तो आज हम यहाँ पे CYSS का और ISA का एक ज्वाइंट मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे ये हैं, जैसा मैंने कहा सबसे पहले कि ISA और CYSS की अलायंस हायर एजुकेशन की प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन का विरोध करेगी। एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जिस प्रकार से वायलेंस और गुंडागर्दी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस पे है, हम उसका विरोध करते हैं। और जिस तरह हम दिल्ली शहर में CCTV कैमरास लगाने की बात कर रहे हैं, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की दृष्टि से हम दिल्ली यूनिवर्सिटीज में भी CCTV कैमरा को लगवाएंगे। तीसरा, विशाखा गाइडलाइंस के तहत हर कैंपस में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की जरूरत है और उसके तहत एक ऑटोनमस जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी का गठन किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सारी यू स्पेशल्स थी और जो सारी विमेन स्पेशल्स थी, उनको खत्म कर दिया गया था। तो CYSS और ISA अपने मैनिफेस्टो में ये भी प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम विमेन स्पेशल और यू स्पेशल्स के रिटर्न को फैसिलिटेट करेंगे। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर हम देखें तो दिल्ली के हर हिस्से से बच्चे पढ़ने आते हैं,
इवन जो दिल्ली के स्टूडेंट्स होते हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे होते हैं, हिंदी मीडियम से आ रहे होते हैं, और जो स्टूडेंट्स रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ के आ रहे होते हैं और जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आ रहे होते हैं, आज भी उनके लिए पर्याप्त स्टडी मटीरियल, किताबें, रेफरेंस मटीरियल अवेलेबल नहीं है। तो हमने जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में एक क्लास डिफरेंस क्रिएट कर लिया है, जिस प्रकार से अब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, उसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमने एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम में एक डिफरेंस क्रिएट करके रखा हुआ है। तो CYSS और ISA दोनों का ये प्रॉमिस है कि जो सारे स्टूडेंट्स चाहे रीजनल लैंग्वेजेस में चाहे हिंदी मीडियम से आ रहे हों, उनके लिए स्टडी मटीरियल और रेफरेंस मटीरियल अवेलेबल कराया जाएगा। एक और कंसर्न जो स्टूडेंट्स के लिए आती है, और ये भी शायद एक आम स्टूडेंट की कंसर्न है जिनके पास शायद बड़ा घर नहीं है, बड़े घर में अपना अकेला स्टडी करने के लिए कमरा नहीं है, जो स्टूडेंट्स दिल्ली से बाहर से आते हैं, हॉस्टल्स में पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में रहते हैं या दिल्ली में भी एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, उन बच्चों के पास अपने घर में पढ़ने के लिए कमरे नहीं होते, स्पेस नहीं होता, उनको पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज की ही जरूरत होती है। लेकिन आज के दिन में दिल्ली यूनिवर्सिटी की सारी लाइब्रेरीज, चाहे वो कॉलेजेस की हो चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हो, वो शाम को 5 या 6 बजे बंद हो जाती है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स को टाइम जो स्टडी के लिए मिलता है अपने क्लासेस अपने प्रैक्टिकल्स खत्म करने के बाद, वो शाम के समय और रात के समय होता है। तो इस मैनिफेस्टो में ये भी डिमांड है कि सारी जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी है उनमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देने के अलावा उन लाइब्रेरीज को 24/7 खोला जाएगा। एंड फाइनली, जिस तरह से हमने पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स को एस्टैब्लिश किया है कि हर इंसान को हाई क्वालिटी हेल्थ केयर मिलना चाहिए, उसी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी CYSS और ISA छात्र क्लिनिक को खोलने को फैसिलिटेट करेगी कि स्टूडेंट्स जो दिल्ली में पढ़ने आते हैं चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, उनको हाई क्वालिटी हेल्थ केयर का एक्सेस मिल सके। और अब मैं शुचिका जो ISA की नेशनल प्रेसिडेंट है उनको इनवाइट करूंगी कि ISA की तरफ से अपनी बात रखें। शुक्रिया अभिषेक। दोस्तों, हमारा देश इस वक्त आज़ादी के बाद शायद ऐसे एक दौर से गुजर रहा है जिस समय इस देश के उच्च शिक्षा के ऊपर और शैक्षणिक संस्थानों के ऊपर इतना ज़बरदस्त हमला एक आज़ाद देश में शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार में जो ताकत है, जो राजनीतिक दल बैठी हुई है, उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन देश में देश का एक शिक्षित नौजवान पीढ़ी है। ये सरकार नहीं चाहती कि हमारे देश के नौजवान पीढ़ी आने वाला फ्यूचर पढ़े लिखे। हम देख रहे हैं कि आने के बाद से ही देश के तमाम सारे यूनिवर्सिटीज के खिलाफ एक युद्ध सा छेड़ा गया है। पिछड़े वंचित तबके से आए हुए छात्रों के खिलाफ दुष्प्रचार, उनके ऊपर मुकदमा करना और शिक्षा के क्षेत्र जो हम देख रहे हैं, सबसे कम फंड एक आजाद देश में, शिक्षा बजट में सबसे बड़ा कटौती आजाद देश में भाजपा सरकार के दौरान होती है। हमारे MHRD जो किसी स्टूडेंट यूनियन से, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव से मिलते नहीं है, वो महीने में एक बार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो जो डिक्लेयर करते हैं वो एक तरीके से देश के उच्च शिक्षा के फ्यूचर को खत्म करने का एक साजिश है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, अचानक से वो बोल देते हैं कि 62 यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी दे दिया गया, जहां पे देश भर में छात्र और टीचर पढ़ने की आजादी मांग रहे हैं, बोलने का ऑटोनॉमी मांग रहे हैं, सोचने का ऑटोनॉमी मांग रहे हैं। उस ऑटोनॉमी शब्द को एक तरीके से मिसयूज करके कहा जा रहा है कि आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दिया जा रहा है, नया कोर्स खोलिए, लेकिन MHRD उसके लिए पैसा नहीं देगा, उसके लिए सरकार पैसा नहीं देगा, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स खोलिए। तो सोचिए हमारे यूनिवर्सिटीज में वो कौन से, क्या भारत के आम घर से आए हुए लोग, क्या किसानों का बेटा बेटी, क्या आम घर से आए हुए लोगों का बेटा बेटी इस यूनिवर्सिटीज में पढ़ पाएंगे इसके बाद? ये हमारे MHRD कर रहे हैं, वो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेस, फी हाइक, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जैसा, IITs, JNU, HCU, BHU जैसी यूनिवर्सिटीज को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस नहीं दिया जा रहा है। तो एक पूरा पॉलिसी लेवल हमला हम लोग देख रहे हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन इस देश में खत्म हो जाए, इस देश के आम घरों से आए हुए लोग
बेटे बेटियां उच्च शिक्षा मास्टर डिग्री बीएससी एमफिल पीएचडी ना कर पाए, साइंस ना पढ़ पाए। सड़क पे खड़े जवान जिसके बारे में ये लोग बोलते हैं, उनके घर का बेटा बेटी आके आज वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज में ना पढ़ पाए, ये साजिश है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो देश का एक महत्वपूर्ण सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नेशनल कैपिटल है, इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स और टीचर्स ने उच्च शिक्षा पे इस हमले के खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई लड़ा है। और आने वाला छात्र संघ चुनाव, हम लोगों को लगता है कि जो लड़ाई हम लोगों ने सड़कों पे लड़ा है, जिन लड़ाइयों से हम लोगों ने इस सरकार को मजबूर किया है कि देश की उच्च शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म ना कर पाए, वो लड़ाई हमारे छात्र संघ चुनाव में भी दिखेगा। और आने वाला दूसरा चुनाव उसी लड़ाई का एक एक्सटेंशन है। और उच्च शिक्षा पे मंडराता इस ये बड़ा जो खतरा है, इसी को मद्देनजर, इसी को बचाने के लिए आईसा और सीआईएसएस इस बार इस चुनाव में साथ आई है। धनबल बाहुबल नहीं, जो लोग आम छात्रों के भविष्य के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो पैसा उड़ा के, वो गुंडागर्दी के दम पे छात्र संघ पे जीत के ना आ पाए, छात्र संघ कॉमन स्टूडेंट्स का, आम स्टूडेंट्स का प्लेटफॉर्म बने, इसी के साथ आईसा और सीआईएसएस एक साथ चुनाव में आया है और हमारा मैनिफेस्टो उसी का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।